दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अमानतुल्ला खान की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने रिमांड पर भेजे जाने के बाद कहा कि उनके ऊपर जबरदस्ती और फर्जी मुकदमा है, ना ही पैसे मिले हैं। सीबीआई और एसीबी के मामलों में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई से भी मेरी जमानत हो चुकी है, एसीबी से भी जमानत हो चुकी है। जबरदस्ती एक फर्जी मुकदमा है जिसकी ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी है, ना ही कहीं कोई पैसा जो है आया है कहीं से। ये भी सारी चीज़ों पर जबरदस्ती सीबीआई कुछ और कहती है, एसीबी कुछ और कहती है और ईडी कुछ और कहती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने कल अमानतुल्ला खान को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को 6 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम ने नवंबर 2016 में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वक्फ बोर्ड में मनमाने और अवैध तरीके से 32 लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया है। महबूब आलम के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है।